कैसी तबीयत से पारो थी? अच्छी मुझे। ये देखो कैसा रहा आपका फंक्शन? फर्स्ट क्लास रहा। अब तो बहुत जल्द असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हो जाने का खतरा है। देखो अच्छी तरह कैसा है? कितना अच्छा लग रहा है। जानती हो डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा? क्या? हाँ मिस्टर चौधरी, पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसा ऑफिसर पर नाज है। उनके मुंह में घी चक्कर। अरे अरे उठो नहीं, उठो नहीं पार्वती, लेटी रहो। मुझे थोड़ी देर बैठने दीजिए ना। पर डॉक्टर ने तुम्हें उठने को मना किया पार्वती। मैं तो आपके पैर छूना चाहती थी। किस लिए? वहां तो लोग आपका इतना मान करते हैं और मैं आपकी अपनी होकर इतनी भी इज्जत न कर सकूं तो किस काम की? पार्वती सच पूछो तो अब मेरे दिल में इज्जत विज्जत की कोई ख्वाहिश नहीं रही। शेर होता तो रोना किस बात का था? ये तो खूखर जंगली से है, इसीलिए तो सब गालियां देते हैं। पर गाली तो तुम इसे दे रहे हो रामू। सरकार मैं नहीं, आपकी पड़ोसी रामचारी देती है। अभी रोती पीटती आएगी तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अजी उसकी ठोकरे का सिर फाड़ाया। सुन लिया आपने? क्यों रे पिताजी, उसने मुझे खुद पूछा था कुश्ती खेलेगा तो मैं क्या भाग जाता? अरे नहीं, जरूर कुश्ती खेलना चाहिए था, लेकिन तूने उसका सर कैसे फोड़ दिया? मैंने जो उसके टांग फंसा कर नीचे पटका, भाई ये तो बिल्कुल फेयर फाइट है, इसमें किसी को शिकायत क्यों होनी चाहिए? सरकार आप कुछ भी कहें पर मैं कल से इसके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? वो तो भला भगवान का कि निशाना चूक गया, इसने गंजे को गुड़ेल का निशाना बना दिया था। आपको नहीं सरकार, आपको नहीं सरकार, मैंने इसके लिए लोगों के सामने अपनी तीर सी नाक को रगड़ रगड़ के कमान बना दिया। मेरे बेटे तीर को कमान बना दिया। बस सरकार बस, इसको आप ही लाल प्याले तो बिगाड़ा रहा है। मैं भी इन्हें बोल बोल के थक गई, बाहर तो लोग इनके नाम से थर थर कांपते हैं, लेकिन ये 2 फुट का शैतान इनके भी काबू नहीं आता। पार्वती जब बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो आप ही रोएंगे, देख लेना। पार्वती इस तरह परेशान होना तुम्हारी तंदुरुस्त के लिए ठीक नहीं है। क्यों ना परेशान हूँ, आप तो लाल प्यार के सिवा कुछ करते ही नहीं, कभी डांटे तो सीधा हो ना। अच्छी बात है, मैं भी उसको सीधा करता हूँ। उतार। चोरे तूने उस गंजी खोपड़ी पर गुलेल क्यों चलाई? हाँ सबके सामने नहीं पिताजी, अकेले में मारे हैं। ये बात है, चल उस कमरे में तेरे चमड़ी उधर देता हूँ। मंजूर है। कितना मुंहफट हो गया, कैसे जवाब दे रहा है? तुम फिक्र ना करो, मैं भी उसको मरम्मत करता हूँ। अरे रामू बोल, उन्हें बस कर, क्या बच्चे की जान ही ले लेंगे। सरकार बस करो, सरकार बस करो, अब बस करो, कसम खाता हूँ आपका भी शिकायत नहीं करूँगा। सरकार मेरे बच्चे को मार ही डालेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ पार्वती, तुम बिस्तर से उठी क्यों? मैं भूप मुख मार रहा था, क्यों बोलना मैंने तुझे मारा? नहीं मैं, पिताजी ने मुझे मारा नहीं, ये तो गद्दे को पीट रहे हैं। तेरे डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर? मेरे दिल में चुभन सी हो रही है। अरे रामू जान लपक के डॉक्टर को ले। जी सरकार। तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ पार्वती। यस डॉक्टर। मिस्टर चौधरी, कुछ दिनों से आपकी मिसेज दिल में चुभन सी महसूस करने लगी हैं। इट्स नॉट ए गुड साइन, इसका मतलब है इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फिर ऐसा लगता है दवा जारी रखना दिल को तसल्ली देना है। तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? आप इन्हें अमेरिका ले जा सकते हैं। अमेरिका? हाँ, डॉक्टर एमर्सन इस मर्स का एक स्पेशलिस्ट है, 100% उम्मीद वहीं की जा सकती है। डॉक्टर अमेरिका ले जाना तो बड़े खर्चे की बात है, मैं तो रुपये कहाँ से लाऊंगा? आप लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, डॉक्टर की हैसियत से मैं रिकमेंड कर दूंगा, मुझे तो यही एक तरीका नजर आता है। चौधरी Yes, I'm sorry, तुम्हारा लोन नामंजूर कर दिया गया। नामंजूर? I am sorry. शहर के सब डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके हैं, और आप तो जानते हैं पुलिस सर्जन खुद पार्वती को अमेरिका भेजना चाहते थे, और आप कहते हैं कि लोन नामंजूर हो गया, फिर वो बचेगी कैसे? इतने बड़े लोन का पास करना मेरे हाथ में नहीं था, अफसोस तो इस बात का है कि मेरी सिफारिश भी काम में नहीं है। Yes, I understand, sir. Thank you.
बचाना नहीं, नहीं। आप खुद ही उसकी जिंदगी बचाना नहीं चाहते। अगर आप उसकी जिंदगी बचाना चाहते तो आप ये रुपए जरूर कबूल कर लेते। इन्हीं रुपयों से इलाज के लिए अपनी बीवी को अमेरिका ले जा सकते हैं, इन्हीं रुपयों से उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। वरना याद रखो, तुम्हारी बीवी तुमसे एक बूंद दवा मांगते मांगते दम तोड़ जाएगी। ऐसा ना करिए सेठ जी, ऐसा ना करिए। पार्वती मेरे लिए सब कुछ है, अगर उसे कुछ हो गया। आज रात आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। कैसी तबीयत है पार्वती? ठीक। क्या हुआ जी, आप कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सरकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया ना। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? आपके गैर हाजिरी में ये सेठ पहले भी दो बार आ चुका है। मैं क्या कहा तुमसे? वही जो आपसे कह रहा था, लौटा दिया ना आपने उसे। पार्वती, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आपने मेरे इलाज के लिए रुपए लिए तो वापस कर दीजिए उसे। नहीं पार्वती, तुम्हारे इलाज के लिए इन रुपयों की जरूरत है। इन रुपयों से तुम्हें नई जिंदगी मिल सकती है, तुम्हारी जान बच सकती है। और अगर पहली बार मैंने फर्श से मुंह मोड़ा है तो मैं कसम खाता हूँ यही आखिरी होगा। ये वो पुलिस अफसर बोल रहा है जिस पर सरकार को नाज है। ये मेरा पति बोल रहा है जिसे मैं भगवान समझती हूँ। पार्वती, न ये पुलिस ऑफिसर बोल रहा है न भगवान बोल रहा है, बल्कि एक लाचार पति बोल रहा है जो अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है, अपने बच्चे की माँ को जिंदा देखना चाहता है। पार्वती, तुमने कभी सोचा तुम्हारे बिना राजेश का क्या होगा? जो भगवान को मंजूर है वो होगा, हम अकेले उसकी जिंदगी बनाने बिगाड़ने वाले कौन? वो तो ठीक है पार्वती, लेकिन इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे इलाज के लिए अमेरिका ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार ने हमारे इलाज के लिए पैसे कहाँ दिए? सरकार ने नहीं दिए, इसीलिए तो मैंने। पार्वती, सबको पता चल जाएगा ये पैसा रिश्वत का था। सब आपके नाम को धिक्कारेंगे और मैं शर्म के मारे डूब के मर जाऊंगी। जो चाहे कीजिए, आप मेरे पति हैं। क्या बात है चौधरी साहब? लीजिए सर जी। हा? क्या हुआ, ये रुपया आप क्यों वापस कर रहे हैं? ताकि आप अपने ट्रक्स वापस ले जाएं। अजूब है, ये अचानक आपका इरादा कैसे बदल गया? सेठ जी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं कहलाता। अगर इरादा बदलने में थोड़ी देर हो जाती तो मैं जिंदगी भर के लिए बदल जाता। वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। लुटी हुई इज्जत भी दोबारा हाथ नहीं आती सेठ जी। इससे पहले कि मैं अपने आदमियों से कहूं कि आपके ट्रक्स की तलाशी ले, आप यहां से वापस चले जाइए। पार्वती, मैं जानता हूं तुम मुझसे रूठ गई हो, लेकिन मैंने रुपए लौटा दिए हैं। पार्वती, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। अगर ये बेईमानी का धब्बा मेरे माथे पर लग जाता तो इसकी परछाई जिंदगी भर के लिए मेरा मुंह काला कर देती। पार्वती, तुमने मुझे बचा। पार्वती, क्या हुआ? पार्वती, 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 नहीं पार्वती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती पार्वती। रामू,
रामो पार्वती मर गई। नहीं पार्वती, मैं तुम्हें मंदिर नहीं दूंगा। नहीं पार्वती, तुम मर नहीं सकते। तुम मर नहीं सकते। तुम मुझे सिखा रही थी कि बेईमानी न करो और खुद बेईमानी करके चली गई। बताओ बेईमान कौन है? तुम हो या बेईमान कौन है? क्यों सो रहा है तू? राजेश बाबू बोल के गए थे। क्या बोल के गए? जब तक वो नहीं आया उनकी जगह सोने के लिए। रोज रात को सोता है तू? जी। कहाँ गया होगा? कहाँ जाता है वो रोज रात को? बेकरार दिल सहा लुटा न पूछिए, हर निगाह चोर है जिनाम किसका ले दिए। बेकरार दिल सहा लुटा न पूछिए, हर निगाह चोर है जिनाम किसका ले दिए। Thank you.
खेलते जाओ, बस चले जाओ। 11 बजे के बाद हमारे लिए कर्फ्यू लग जाता है। मारा पर तो दया कर दिख रहा, मारा पत्ताओं में चूमे ने जा, कदाच मारी फाटेली किस्मत फट करेंगे सीसी कही जाए। हेलो बाबा जो दोस्तों लाख आ भी गयो, एक तो आ भी गयो, आ भी गयो, आ भी गयो। हेलो थोड़ा जी ने मूर्ति मेहरबानी बीजो बना भी गयो, बीजो बना भी गयो। आले 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 केम बेटा तकलीफ खराब थी गई? अरे खराब थी गई तो नोट नाक नहीं, नोट नाक नहीं मरनी। नोट के लिए पर नोट लिख दिया है। एम आलो अजी आओ ने, आओ ने शो शो तो आए लो। ओ मारा बाप का बाप जीत गयो। ए साहब एना रोकड़ा तो करावे आपो। जब खींचूंगा हिसाब किताब कर दूंगा। हटो मेरे रास्ते से। रास्ता में नहीं छोड़ू, अहीं तले पे नहीं छोड़ू। तेरा मारी रोकड़ा आपो। रास्ता नहीं छोड़ेगा? नहीं नहीं छोड़ूंगा। बिद्दी के शोर में शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दान जिम्मा चाहते थे। अच्छा क्यों पहलवान? एक तो बेचारे के पैसे नहीं देते, ऊपर से दादागिरी दिखा रहे। बात ठीक नहीं है। ए मिस्टर तुम अपना रास्ता नापो, तुम्हें उसका बाप बनने की क्या खिल्ली हो रही है? शायद आपको मालूम नहीं लेकिन जुए में उधार नहीं चलता। इनके पैसे दे दीजिए। मैं भी बड़ी टेढ़ी औलाद, कोई काम सीधी तरह से नहीं करता। ये वो घी है जो सीधी उंगली से नहीं निकलता। अच्छा तो मैं 5 उंगलियां टेढ़ी कर सकता हूँ। चलो बाबा ये रख लो, जब ये तुम्हारे पैसे वापस कर दे ये घड़ी लौटा देना। और दाजी तुम्हारे भड़ू करें जो दिख रहा। इस कॉलेज की छोकरी का अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? हिम्मत है कभी काम आएगा। गोपाल तेरी ड्यूटी खत्म। उठ अबे गधे उठ। आप? हाँ मैं। कहाँ गए थे तुम? मैं पूछता हूँ तुम इतनी रात तक कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? जी दरअसल बात यह हुई कि आज एक बहुत जरूरी काम पड़ गया था इसीलिए देर हो गई। सिर्फ आज काम पड़ गया? जी हाँ सिर्फ आज। झूठ मत बोलो, मुझे गोपाल से सब पता लग गया है। तुम रोज रात को गायब रहते हो, बोलो कहाँ जाते हो, बोलो। अदरवाइज आई स्पेल यू। असली बात यह है सर कि मैं रोज रात को एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इसलिए देर हो जाती है। पार्ट टाइम जॉब? तुम्हारे पिताजी तो पैसा भेजते हैं, फिर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की क्या जरूरत है? वो तो सिर्फ अपने शौक के लिए सर। क्या मतलब? सर अपने हाथों से कमाई करने का शौक मुझे बचपन से है, कॉलेज में आकर और बढ़ गया। तुम रात को पैसे कमाने के लिए जाया करते हो? डू यू रियली मीन इट? क्या वाकई तुम्हें अपने हाथ से पैसे कमाने की इस कदर शौक है? जी हाँ बहुत शौक है सर। दैट इज वंडरफुल। अरे इसमें छुपाने की क्या बात है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। ऐसा आदर्श अगर हर नौजवान बना ले
तो अपने देश का कल्याण हो जाएगा। देश की बात तो कह नहीं सकता सर, लेकिन हॉस्टल के नौजवानों का कल्याण जरूर हो जाएगा। वो कैसे? सभी मुझे देख के थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं सर। गुड 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 गुड, सिखाते जाओ सिखाते जाओ। और देखो, कल से तुम्हें गोपाल को यहाँ सुनाने की जरूरत है। तुम रोज रात को लेट आ सकते हो। यू हैव माय परमिशन। थैंक यू सर। एक और रिक्वेस्ट है सर। यस। जरा चौकीदार से भी कह दीजिए, रोज रात को मुझे तंग करता है। डोंट वरी, मैं उससे भी कह दूंगा। तुम अब सो जाओ, बहुत थक गए हो गए। गुड नाइट। गुड नाइट सर। कौन है? शायद सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गया हो। लगता है रंगा तोड़ गए। तुम लोग सब बात समझ। अरे कमाल है यार, तुम थे और आज तक नहीं। हम यहाँ पे सब घबरा गए थे। अच्छा चलो कुर्सी पकड़ो जल्दी से, पत्ते बांटो भाई। जल्दी से छह करो, छह धुआं उधर फेंकना। चिमनी उधर रखो अपनी। करो तीन चार पाँच छह। दो 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 दो। हाँ चलो बोलो। चलो बैक बैक। तो गए? तुम चलो ना। अरे भले ही गए, बहुत अच्छे हैं। एक चाल माल किसे में है निकाल के ये ले। किधर गई दो की ये पड़ी। किताब है कि नहीं? लो दस। एक चाल मैं भी आया। मैं भी आया। तू पैक नहीं करेगा क्या? क्या करूं यार, पत्ते ही कुछ ऐसे। सच बोलता है? बोलना अच्छा है क्या? तो ऐसी जिंदगी पत्ते बार बार नहीं आते। अच्छा चल अरे चल ना, तुम बारी अपने हाथ है, माल अपना है, चल। उल्लू बना तो मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। पैक था तेरी की। अरे तीन बेगम पैक कर गया। अबे मुझे याद आ गया, कल इसके पास तीन बादशाह आए थे। अरे कल के बादशाह पर आज की बेगम पैक कर गया। वारे तेरी याददाश्त, आज भी तो तबाही लाई। सिर्फ गुलाम भारी। गुलाम भारी? कभी कभी गुलाम भी बेगम पर हाथ मार जाता है। ओ गॉड, कब भेजेगा हमारा भेजा? और सुनो, भेजे के अंदर थोड़ा लक मिला के भेजो। खाली भेजा, अगर भेजा तो क्या भेजा? क्यों ये गार्ड ऑफ ऑनर किसके लिए है? ड्यूटी क्वीन के लिए। ड्यूटी क्वीन? ये कौन है? हटो यार उधर, हटो हटो भैया। अरे बाजू हट जा। शिकम इसके लिए तुम लोग इतनी देर से खड़े थे? अरे इसने तो तुम लोगों की तरफ देखा तक नहीं। कभी तो स्वीट लुक देगी प्यारे। तुम लोग सब पैदाइशी आशिक हो। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे गाल का और मेरे हाथ का, समझे? थैंक यू। वेल डन मिस अनुराधा, मैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ करता हूँ। ऐसे बदमाशों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। देखिए ना, घर से पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ कर लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। जरा देखो तो भाई। क्या गाल पे लाल नक्शा प्रिंट हुआ है भैया। ये अगर सैंडल का होता ना तो आशिकों के सज्दा करने के लिए स्कैंडल पॉइंट हो जाता है। ड्यूटी के भी पर निकला है। हिम्मत है तो बेटा बात करके दिखा ना। बात के लिए बड़े भाई से बात कर लो। बात तो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो स्कूटर पर बैठ के भी दिखा देंगे, लेकिन तुम्हारी तरह दुम नहीं कटवाएंगे। यूँ कहो ना, अंगूर खट्टे हैं, हमने छू लिए तो जलने लगे। अरे यार ये तो मुझे भड़का रहा।
इसे मालूम नहीं कि मैं गैम्बलर हूँ। इसी साल का है, नया भर्ती का। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अगर 24 घंटे में उसे छू कर दिखा दूं तो क्या दोगे? 10 रुपए। बहुत कम है। अबे ये भी कोई रकम है? अच्छा अगर छूने के साथ साथ उससे बात करके दिखा दूं तो ज्यादा मिलेगा? 50 मिलेगा। पूरा 100 का इंतजाम करो ना। अच्छा अगर उसके साथ स्कूटर पे बैठ के आ जाऊं तो 100 रुपए मिलेगा? 100 मिलेगा। तो कल 100 रुपए तैयार रखना। तुम अपना गाल तैयार रखना, वो तो देखा जाएगा। भैया गाल वाला जीते या माल वाला, लेकिन देखने वाले को मजा जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। चलो मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ दूँ। नहीं पापा, मैं स्कूटर में जाऊंगी। ठीक है, लेकिन स्कूटर जरा आहिस्ता चलाया करो। आहिस्ता तो चलाती हूँ। नहीं चलाती हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो जानते क्या होगा। जी हाँ, नंबर 1 मेरा लाइसेंस चला जाएगा, नंबर 2 आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मैं बड़ा ही आहिस्ता संभाल के चलाऊंगी। भगवान के लिए आप लोग सब जाइए ना, मैंने घर पहुंचा दूंगी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? बाहर की चोट तो ठीक लगता है बच्ची, लेकिन अंदर की चोट अब वक्त ही बताएगा। क्या कर रहे हो? मैं सपना, मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये शुक्रिया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ना मैं तेज चलाती ना ये टक्कर होती। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है बच्ची, तेरी उम्र का कसूर है, ये उम्र ही दीवानी होती है। क्या हुआ? मेरी तो कमर ही टूट गई, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। आपको कहाँ जाना है, मैं पहुँचा देती हूँ। तुम बता दोगी? हाँ। नहीं नहीं अजीजा, बुढ़ापे का बोझ उठाने के लिए खुदा ने ये कमसिन कमर नहीं, ये लाठी बनाई है। बाबा मैं तुम्हारा बोझ अपने ऊपर थोड़ी उठा रही हूँ, वो स्कूटर उठाएगा। आओ ना। वो स्कूटर बच्ची, अरे चलो प्लीज। कोई बात नहीं बच्ची, मैं अपनी मंजिल तक लंगड़ाते लंगड़ाते ही पहुँच जाऊँगा। हाँ मखा जिद मत करो, बैठ जाओ। यहाँ कैसे बैठूं बच्ची, मुझे डर लगता है। डरने की क्या बात है, मुझे पकड़ लेना। अच्छा जब तुम कहती हो तो बैठ ही जाता हूँ। यूँ पकड़ लेना, अगर जान लगेगा तो और सबके पकड़ लेगा। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब तो डर नहीं लग रहा है ना? झिझक तो दूर हुई, डर ये है मगर है दोस्त, लगा दे आग लग दे रहा, ये रुका रुका से तपाक। बुढ़ा समय के शायरी का शौक बढ़ जाता है। गलत तो नहीं होना चाहिए कि मैं बूढ़ा हूँ। माशाल्लाह आप अपने आप को अभी तक जवान समझते हैं। मैं क्यों ना समझूं अजीजा, अभी तक तो कुंवारा हूँ। तुमने अभी तक ये तो बताया नहीं बाबा कि तुमने जाना कहाँ है। मोहब्बत में क्या क्या गम आते हैं कि मंजिल ये है और चले जा रहे हैं। बोर मत करो बाबा, अपने किसी हम उम्र को ढूंढ कर शायरी का शौक पूरा कर लेना। कम से कम लफ्जों में बताओ जाना कहाँ है। जाना है एपीसी कॉलेज। एपीसी कॉलेज? कि मैं पढ़ती हूँ। जी हाँ मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो? अजी मैं भी वही, मेरा मतलब है मेरा भतीजा भी वही पढ़ता है, उसी के फीस देने के लिए तो जा रहा था। कह रहा था कम्बक शहर की सब खूबसूरत लड़कियाँ उसी कॉलेज में पढ़ती हैं। आपके नौकर भतीजे को तालीम से तफरी का ज्यादा शौक लगता है, आप बेकार में फीस भर रहे हैं। लो कॉलेज आ गया। ये बुड्ढा तो अपने ज्यादा लग के निकला, जिसका एक पाव कबर में और दूसरा ब्यूटी क्वीन के स्कूटर पर। हम लोग चांस मारने के लिए मर रहे हैं और ये मरने से पहले चांस मार गया। ओ बनाने वाले, मुझको बुड्ढा बना दिया होता। शुक्रिया अजीजा। कोई बात नहीं बाबा। गुरु ये बुड्ढा तो इधर ही चला रहे। अरे तुम? हाँ मैं। 100 का नोट निकालो। कमाले यार, आखिर बाजी जीती गया। अरे चेला हमारे गुरु का है, मगर चेले ने चक्कर ऐसा चलाया कि गुरु चकरा गया। यू रास्कल, कन्या तारीफ कर रही है भाई। शुक्रिया। क्या पिक्चर थी, सोफिया लॉरेंस को एक दफा देखो, क्या ब्यूटी थी उसकी। भाई पागल हो गया।
फॉल्ट। देख रहे हो मेरी आंख है फड़की। जरूर आसपास है लड़की। हाँ करो उतर मोर्चा जमाओ और आंखों की मशीन गन से हसीन दुश्मन पर दो चार राउंड फायर कर डालो। पीछे क्या जगह ढूंढी। अनुराधा मेरी जिंदगी की यह आखिरी उम्मीद है। कॉलेज कमेटी की तरफ से मुझे आदेश मिल चुका है कि अगर इस दफा भी ड्रामा कंपटीशन की ट्रॉफी हम उन्हें जीत के ना दे सके तो मुझे इस डिपार्टमेंट से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर। इस बार मैं पूरी सरगर्मी से कोशिश करूंगी। फिर भी सब बेकार रहेगा मिस अनुराधा क्योंकि आपको इनाम मिलेगा आधा। शट अप। यंग मैन कम हियर। तुम्हें कैसे मालूम है कि इनाम आधा ही मिलेगा पूरा नहीं। सर आपको याद होगा कि याद कर लूंगा। तुम आगे बोलो। लास्ट ईयर भी हम रनर अप रहे थे। यस रहे थे। क्यों मालूम नहीं क्यों? इसलिए कि इनका दूसरा साथी एब्सोल्युटली भोंदू था। यानी कि मैंने इनके साथ ड्रामे में हिस्सा नहीं लिया था। यानी कि मैं इनका पार्टनर नहीं था। तो इस बार बन जाओ। इनकार कैसे है? मुझे है। अगर आप इसे मेरा साथी चुनेंगे तो मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूंगी। ड्रामा में हिस्सा हरगिज नहीं लूंगी। सर ये खामखा बिगड़ रही है। अगर इन्हें मेरी एक्टिंग कैपेबिलिटीज पर शक है तो आप इजाजत दें मैं अभी नमूना पेश कर सकता हूं। करो। आई मस्ट बी गॉन एंड लिव और स्टे एंड डाई। फेयरवेल। आई विल ओमिट नो अपॉर्चुनिटी दैट मे कन्वे माय ग्रीटिंग्स। लव टू बी माय जूलियट। किसी भी तरह मैं आपसे छोड़ती हूं या प्रिंसिपल सर से शिकायत करूं। देखिए मिस अनुराधा आप हमारे जाति मामले को इस खैराती मामले से जोड़कर प्रोफेसर साहब से बड़ी बेइंसाफी कर रहे हैं। तुम जाते हो या मैं चली जाऊं? All right, relax. बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है सर कि आपकी तरक्की और नौकरी पक्की के लिए इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। मिस अनुराधा एक बार फिर सोच लो। मुझे तो ये लड़का कुछ कुछ समझदार लगता है। आपको लगता होगा मुझे तो बेशर्म का सरदार लगता है। जैसा तुम ठीक समझती हो करो। तब तो ट्रॉफी भी गई और नौकरी भी गई। सर अब फिक्र मत कीजिए मैं इसके गरूर को चूर करना चाहती हूँ। मैं इडियट से इडियट बुद्धू से बुद्धू भी चुनकर जीत कर दिखाऊंगी। मुझे सिर्फ अपना पार्टनर चुन लेने दीजिए।
मेरे पार्टनर बनेंगे। संपत, घबरा मत बे, दुश्मन को कर दूंगा चंपत। अरे संपत, जरा देख के तो आ, ऑडियंस का क्या हाल है। जाना यार, जाना प्लीज। ज्यादा मत घबराओ, मैं भी देख कर आता हूँ। मैं जब पहली बार स्टेज पर गया था ना, तो तुमसे ज्यादा हालत पतली थी। मिस्टर अनूप, आसन जमाने से पहले मालूम तो हो भाषण का क्या असर होगा। बराबर बराबर। ताश में बैठे हैं हमलावर, हाथ में लेके लाल टमाटर। मुझको तो लगता है रियल डेंजर, ये है आज की टेढ़ी खबर। टमाटर डेंजर, मगर यार मैंने तो आज तक किसी चींटी को चींटी भी नहीं काटी, फिर लोग क्यों मेरे दुश्मन होने लगे। घबरा मत, उठो उठो, रिहर्सल करो करो करो। अनुराधा, पहचाना मुझे? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, रिहर्सल है, और हाल में तो होलसेल में पड़ने वाले हैं इस मुखड़े पर ये सहित के। पता नहीं यार किस मुसीबत में फंस गया हूँ। जब से पैदा हूँ स्टेज पर पहले ही जाने का मौका मिला है। पता नहीं क्या हाल चाल रहे हैं। हाल तो तुम्हारा यही पतला हो गया, और चाल स्टेज पे जाओगे तो जनता बिगाड़ देगी। ऐसा हाँ। तो मैं स्टेज पर नहीं जाता। हाँ। मेरे कपड़े अंदर मेरे कपड़े? और पिछले दरवाजे से चले जाना। मुझे अनुराधा का मुखड़ा याद आ गया। अरे ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में फिर कब आएगा? उसकी नरम बाहें मेरे बाह में होंगी, उसका चांद सा मुकड़ा मेरे मुकड़े के पास होगा। अरे टमाटर तो क्या, मैं सबकी मार खाने को तैयार हूँ। यार मेकअप करो ना भैया। आओ ना आओ ना। अब बोलो, दया धर्म को भूलो और गोली की पुड़िया खोलो। चलो मिस्टर संपत, इनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। धड़क रहा है? हाँ। अरे हाँ, रॉकेट की स्पीड से धड़क रहा है। अगर ये स्पीड रही तो तुम स्टेज पर नहीं स्पेस पर पहुंच जाओगे। स्पेस? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे यार वो गोली दे देना। कैसी गोली? टाइम की। इसके खाने से क्या होता है? उससे घबराहट खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि वो डर खत्म हो गया। तुम दियो ना जल्दी, देर क्या की। लो 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 लो, वो खोलो पानी। तो पानी यार खाने के तुम एक गोली, एक गोली, एक गोली पानी साथ दंदा। अब जब लग रहा है चला तो कुर्सी उठा उठा ले। चलो अंदर। हाय राम क्या था बंदर ने। असमाल अपा, कितने दिन इंतजार करवाओगे ना? चलिए आओ, मैं तो तुम्हारी जुदाई में मैं रो रो कर मर जाऊंगी। क्यों? आउट आउट आउट, डोंट आउट। प्यारे, मेरे जीवन के सहारे आखिर तुम आ ही गए ना मेरे पास। पहचाना? तुम्हारी दासी तो तुम्हें जन्म जन्म से पहचानती है। देख लो तुम्हारा दीवाना भी तुम्हें हर जगह हर जन्म में ढूंढ लेता है। जूलियट, ओ माय जूलियट, तरस गए थे कान तुम्हारे ये बोल सुनने को। आज कुछ भी कहो मगर कहती जाओ। तुम्हारी आवाज में बेजू का गीत है, मोजार्ट का संगीत है, तुम्हारी आंखों में गजब का जादू है, किया जिसने दिल मेरा बेकाबू है। गुंडा, बेर। ये सब इस स्क्रिप्ट में कहां लिखा है? शायद मेरी किस्मत में लिखा होगा। क्यों तुम दोनों मेरी तरक्की के जहाज को चक्की में पीस रहे हो? प्लीज स्टे देयर फॉर माय सेक, और ड्रामा जारी रखो। नाथ, मेरे तो जन्म जन्मांतर की जगह आपके चरणों में है। आ, क्या हुआ नाथ? तुम्हें चरणों को जो छुआ तो मुझे दर्द हुआ। प्रिया, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में। राजेश के दिल में। क्या हुआ नाथ? यही गर्दिश रही तो मैं मारा जाऊंगा। मेरा मतलब है, अगर वक्त इसी तरह बार बार ठोकरे मारता रहा और बार बार तुमसे जुदा होना पड़ा तो एक दिन मैं जरूर मर जाऊंगा। सचमुच मेरी जान ही निकल जाएगी। सजनी, तुम्हारी सजनी की चूल्हे में पानी। आज वर्षों के बाद दिल ने अपनी मुराद पास पाई, इसलिए दिल चाहता है कि आपके पास आ जाओ, और पास आ जाओ, करीब से करीब आ जाओ और तुम्हारा सर फोड़। इस मोहब्बत भरी मुलाकात के लिए
चाहे मुझे हजार खून भी करने पड़ते तो मैं हजार खून भी कर डालता, चाहे मुझे सात समुद्र पार करने पड़ते तो मैं वो भी पार कर आता। कहते हैं जहां चाह होती है वही राह होती है, सच्चे आशिक को अपने मासूम के साथ मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो सर फट जाएगा। डोंट वरी सर, एस पुरो का पूरा पत्ता है। पूरा पत्ता? हाँ, एक एक करके उतार देंगे। प्रोफेसर साहब की हालत तो रहम आता है, वरना तो मेरा चुना बना देती। पानी पानी सर, पानी खत्म हो गया सर। अपने साजन की दुनिया से दूर, बहुत दूर ले जाओ, जहाँ एक सुनहरी ताजमहल हो और वहाँ तुम्हारा खून कर दो। खून के हनीमून, ताजमहल और हनीमून, चांदनी रात होगी, प्यार की बरसात होगी, तुम और हम होंगे, तुम और मेरी ड्यूटी होगी। माजी एंट्री खाली। अरे एग्जिट भी खाली, क्या काम किया है तुमने, जवाब नहीं है तुम्हारा। जाओ गोली खा के सो जाओ। बच गए, गोली ने तो पिटवा ही दिया था। रामू जी सरकार, चाय बनाकर राजेश को मनी ऑर्डर कर देना। एक बात बोलूं सरकार? क्या? प्रदेश में छोटे बाबू को इतने सारे पैसे ना भेजा कीजिए। क्यों नहीं? बाप दादा बोलते थे सरकार कि जवानी में लड़के का हाथ तंग रहे तभी उसकी आते ठीक रहती है। वो ठीक कहते थे, लेकिन बाप दादों के यहाँ एक दर्जन से कम औलाद नहीं होती थी, इसलिए उनके पैसे बढ़ जाते थे। समझा? नहीं समझा सरकार। तू नहीं समझेगा, मेरी तो बस एक ही औलाद है, उसे ना दूं तो और किसे दूं? और फिर ये पैसे भी किस काम के, अगर जवान बेटा दो चार दिन हंस खेल कर न गुजार सके। चलिए शो कीजिए, पहले शो के पैसे डालो, बाद में शो मिलेगा। पैसे कल ले लीजिएगा। तो फिर शो भी कल मिलेगा। बकौल तुम्हारे कि जुए में उधार नहीं चलता। ठहरिए चाचा जान, थोड़ा सा उधार मिलेगा। इस मंजिल से कौन गया सलामत, असबाब का राम है और सफरी का। पैसों के लिए अच्छे पत्ते फेंक रहे थे। मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप किस भरोसे पे? मैं इस क्लब का मालिक हूँ। प्रेम बॉय प्रेम। थैंक यू। नो शो एक और चार डबल। अगर डबल अगेन डबल शो हु विंस? You. Twenty. 40. 80. 100. 200. 200. So, who wins? You. Twenty. 40. 80. 100. 200. 200. Sure. Who wins? You. Sorry. Bad luck, my boy. अफसोस अपने हारने का नहीं है, लेकिन आपके पैसे हारने का जरूर है। उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तो अपने आप ही वसूल हो जाएंगे। खेल में आपके पैसे गिनना भूल गया, हम उस गिरा कुछ नहीं सर, 2000 रुपए थे। 2000? हाँ, तो घबराने की बात है, वो तो वापस आ ही जाएंगे। कम ऑन माय बॉय, स्टॉप वरिंग, कम ऑन। दाना डाल दिया। बहुत होशियार हो। दिल रखो, जज्ब दिल नहीं। ओह दो छोकरी कितना सका है, कभी बंदूक इधर कभी इधर। माय गॉड, बैठो।
माँ इसको बोलो ना जरा इस तरफ बैठे, ये बेचारा तो सो रहा है। सोने दो ना, किसी गरीब की नींद क्यों हराम करें। ओह माय गॉड वेरी हार्ड ड्यूटी। कौन है मैं? आई एम वेरी सॉरी। है लड़की? नहीं मैं वो नहीं हूँ। कहाँ भागते हो? रुक जाओ ना। नहीं रुकने वाला, मैं कहती हूँ रुक जाओ। ओहो, ये क्या मजाक है? नीचे उतरो ना। मैं उतरूंगा। ठीक है, देखती हूँ कब तक नहीं उतरते हो। मैं भी यही बैठी रही। बिल्कुल ठीक है, तुम नीचे बैठ जाओ, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, चोरी चोरी मेरे दिल की हो गई रे है चोरी। आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी। पहले ही था खटका, जब जुल्फ तेरी लहराई मेरे दिल को लगा एक झटका। धड़कन तो सुनो मेरे दिल की, दिल जुल्फों में है अटका। जुल्फों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, जुल्फों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, चोरी चोरी मेरे दिल की हो गई रे है चोरी। आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी। तेरे होठों का उस रंग का मेरा दिल है, मालूम नहीं क्या तुझको वो तू ही तो मेरा कातिल है। आंखें न चुरा तू मुझसे वो तेरे दिल में ही मेरा दिल है।
तेरा दिल की तलाशी दे दे, मेरे दिल की हो गई चोरी। तेरा दिल की तलाशी दे दे, मेरे दिल की हो गई चोरी। चोरी चोरी मेरे दिल की हो गई रे है चोरी। कल मेरा बर्थडे है और ये सब लोग जिद कर रहे हैं कि पिकनिक मनाई जाए, मगर मैंने एक शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है आपने? आप साथ आएंगी तो पिकनिक होगी, वरना वरना ये धरना यूं ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब धरना उठाने के लिए मुझे हाँ करना पड़ेगा। जी हाँ, ऑल राइट, आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। आपने मुझे किस मकसद से बुलाया था? तुम्हें याद होगा तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। जरूरत की बात है, वरना इससे 10 गुना रकम भूल जाता। इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है, मगर आपके पैसे मैं जितनी जल्दी हो सके लौटा दूंगा। कल तक तो गुंजाइश है, उसके बाद नहीं। कल तक कैसे हो सकता है? आप तो जानते हैं मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं और 24 घंटे में इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे सकता हूं? ठीक है, तुम नहीं दे सकते, हम तुम्हारे पिताजी से मंगवा लेंगे। पिताजी? तुमने इनके पिताजी का क्या पता बताया था? सुपरिटेंडेंट चौधरी, पुलिस लाइन रतनपुर। इस मामले में अगर आप पिताजी को न लाए तो मैं उम्र भर आपका शुक्र गुजार रहूंगा। जू से 30 मील दूर पर एक विदेशी जहाज खड़ा है, वहां कुछ पैकेट पहुंचा दो, मेरा रुपया वसूल हो जाएगा। स्मगली? मैं ऐसा जलील काम नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो फिर तुम्हारे पिताजी को लिखना ही पड़ेगा कि तुमने जुए में हार कर मुझसे 2000 रुपया उधार लिया। अगर पिताजी को इस बात की खबर मिली तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं जिंदगी भर के लिए उनकी नजरों से गिर जाऊंगा। उन्हें खबर करने के लिए तुम मुझे खुद मजबूर कर रहे हो। सिर्फ यही रास्ता है, सिर्फ यही। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उन्हें भी साथ ले लो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में कर लेना, सबको पिकनिक पे बुलाया है, उन्हें इस तरह छोड़ जाना ठीक नहीं लगता। उनकी इतनी फिक्र और हमारी जरा भी नहीं। इतने तेज क्यों चला रहे हो? जरा आहिस्ता चलो, मुझे डर लग रहा है। वापस ले चलो मुझे, अब तो किनारा भी नहीं दिख रहा है। चलेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? किनारा यहाँ से कितनी दूर होगा? बस 20 मील। 20 मील? बस घबरा नहीं, लो रोक लेता। अब वापस ले चलो किनारे की तरफ। जिसके दिल में तूफान हो उसे किनारे खुद ही अच्छे लगते। सूरज से तो बहुत सीधे लगते थे, बातें तो सभी तेरी करते हो। कहते हैं माशूक की अदाएं और आशिक की बातें समझ में ना आए, बस इसी में लुत्फ है। मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त वापस ले चलो। I said let's go back. ये क्या मजाक है? बस इतनी सी जलन से इतना दर्द, जो आग मुझे अंदर ही अंदर इतने दिनों से जला रही है उसने मेरा क्या हाल किया, जरा देखो तो सही। छोड़ दो मुझे कमीने। प्लीज कम, क्यों हम गुस्सा होती? खबरदार, अगर आगे बढ़े तो आई विल हिट यू। घायल शेरनी के शिकार और गुस्से वाली औरत के प्यार में जो मजा है, जिंदगी की किसी चीज में।
ट्रेन को नहीं चलो, कश्ती में आग लगे, मुझे उस लड़के को बताना। इस लफड़े में मत पूछिए, हम ये गैर कानूनी काम करके आते हैं, कहीं पुलिस को पता चल गया हमारा अफसर पकड़ा जाएगा, और अगर तुम मुझे उससे बचाने से रोकोगे तो मैं खुद पूरी कठिनाइयों के बारे में बता दूंगा। उसके सिवाय आपकी बात मानने कोई चारा नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्लेन से जुड़ना पड़ेगा। ये सर जम ऑलराइट। अपनी जान को मेरे लिए खतरे में डाल दिया। तुम्हें इस बात का अफसोस है? लेकिन इस बात का अफसोस जरूर है, पहले तुम्हें क्यों गलत समझी और अब क्या समझती हो? हेलो मीना, अनुराधा तुम्हारे यहां है क्या? तुम्हारे यहां भी नहीं है? ओहो, इस लड़की ने आज आपकी नींद हरा कर दी। तुम जा क्यों गई? मुझे एक सपना आया था, एक राजकुमार आसमान से उतरकर मेरे करीब आया और मेरे तरफ बड़े प्यार से देखने लगा। मेरी आंखों में नींद भरी थी इसीलिए पहचान न सकी। तुम्हारा राजकुमार आसमान से उतरकर आया था? हाँ। हंस क्यों रहे हो? आसमान से तो उतरकर मैं आया था। अरे हाँ, और अभी अभी तुम मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी आंखें कब से एक सवाल लेकर तुम्हें देख रही हैं। कौन से सवाल? कहां से लाई हो जान मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आंखें। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जाने मन रहे हैं समंदरों में। यही वो चेहरा है पूजते हैं, यही वो चेहरा है पूजते हैं जिसे पुजारी भी मंदिरों में। चमन में करती है रोज शबनम
कली कली से तुम्हारी बातें, कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आंखें, कहाँ से लाई हो जाने मन। ये कहती है तुमसे मिलकर कभी ना तुमसे नजर हटाऊं, तुम्हारी सूरत ही सामने हो, तुम्हारी सूरत ही सामने हो, तुम्ही को बस देखता ही जाऊं, यूं ही गुजारूं मैं जिंदगी के तमाम दिन और तमाम रातें, कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आंखें, कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आंखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आंखें, कहाँ से लाई हो जाने मन। पापा। अनु, are you all right my child? कहाँ गायब हो गई थी? हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। सिर्फ इतना पता लगा था कि एक लड़के के साथ तू लॉन्च में गई, उसके बाद में लॉन्च की खबर मिली ना तेरी। पापा, लॉन्च में आग लग गई थी और वो उस दिन लड़का मुझे अकेला छोड़ के भाग गया था। कमीना, मैं उसकी खाल खिंचवा दूंगा। अगर राजेश उस वक्त वहां न पहुंचता तो आज मैं आपके पास जिंदा न लौटती। यू मस्ट थैंक हिम पापा। जरूर, जिसने मेरी बच्ची की जान बचाई उसका एहसान मैं कभी भूल सकता हूँ। अच्छा, ये राजेश कौन है? राजेश हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है, बहुत बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है, फिर तो ऐसे बहादुर शख्स को मैं जल्द से जल्द मिलूंगा। सच? यू लव हिम पापा। अपने बर्थडे पर उसे मेरी तरफ से बुलाना। आई वॉन्ट टू मीट यू। आज मुझे सोचा तो फिर सही क्यों नहीं? क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं था। मुझ पर भरोसा नहीं था? किस बात का? अगर मैं सो जाती और तुम सपने में आते तो पूरा एक दिन निकल जाता तुमसे मिलने के लिए। इससे अच्छे नहीं थे। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। सच्ची बुद्धू हो गई है, लेकिन तुम ही नहीं थी, तुमने बना दिया। इसकी वालिद ने कमा कर दिया, पर मैं आदमी समझी से बड़े काम। तुम मुझे बुद्धू और निकम्मी नहीं अच्छी लगती। तुम एक बात की सुन ले, नहीं तो मुझे सब कुछ भुला दोगे। क्या? पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। कमिश्नर साहब? जी हाँ। ना बाबा, वो पुलिस ऑफिसर थे, उनसे तो मिलने में भी डर लगता है। ये जानते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, सदा सुनने के लिए बुलाया है। हाँ, जिस दिन उन्हें मालूम हो गया कि तुमने उनकी बेटी का दिल छुड़ा है, कितना हाथ कड़ी लगाए बगैर नहीं छोड़ेंगे जनाब। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँचाने का अंदेशा है? पुलिस कमिश्नर की बेटी हो तो मुझे खुद ही जुर्म का इकबाल कर लेना पड़ेगा।
बिल पूछ के बता देना। वो तो पहले मुकर्रर हो चुका है। अच्छा? तुम्हारी सालगिरह है? तो मैं जरूर आऊंगा, बेटी को एक सोफा दूंगा और बाप से एक सोफा लूंगा। हाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई वो तो अभी यही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू अनु। क्या मैं नहीं बोलती? सफा हो गए, सिर्फ आधा घंटा लेट आयो। यकीन नहीं आए तो घड़ी देख लो। इस मशीन को क्या मालूम, मेरे दिल से पूछो कितने लेट आए हो। लीजिए इससे भी पूछ लेते हैं। चलो हटो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। यही के ये पागल तुम्हारा दीवाना है। तुम्हारा दीवाना है। अगर मेरा दीवाना होता तो इतनी देर से नहीं बल्कि सुबह से मेरे गले का चक्कर काटने लगता। सच्ची बताओ क्यों लगा इतनी देर? देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा ढूंढ रहा था जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। सारा बाजार छान मारा फिर जाकर एक चीज का पता चला। किस चीज का? कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं। झूठ? सच, बिल्कुल सच। चाहो तो इन आंखों से पूछ लो जो सारा बाजार तलाश करके आई। हेलो पापा, इसी तरफ आ रहे हैं। अरे अन्नू क्या क्या कर रही हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ ढूंढा है। पापा मैंने आपको राजेश के बारे में बताया था ना? इन्हीं का नाम है राजेश। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा तुम जाओ, मेहमान से घर दो। अच्छा तो तुम ही राजेश हो? बेटा तुमने मेरी बेटी की जान बचा कर मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया। जी वो तो मेरा फर्ज था। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? रत्नापुर। क्या करते हैं? जी वो पुलिस में काम करते हैं। में काम करते हैं? क्या नाम है उनका? सुपरिंटेंडेंट चौधरी। अच्छा तो तुम उनके बेटे हो? जैसा बाप वैसे ही बेटा, बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा देखो बेटा, आज से तुम इसे अपने घर समझो, अपने ही घर समझो, ठीक समझे? एग्जामिनर साहब, यानी कि तुम्हारे पापा ने मुझे पास किया। ये वो तो तुम इज्जत देने लगे थे। जीरो नंबर? लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं, उनके बेटे ने तुम्हारी बड़ी सिफारिश की। कहा लड़का मोहब्बत करना जानता है, मेरा दिल बहलाना जानता है और आपके बेटे पर जान भी देना जानता है। फिर क्या बोले? लो फिर क्या, जो तुम्हें मैट्रिक फेल कर रहे थे वही तुम्हें एमए डिग्री देने पर तैयार हो। एमए? भला ये कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है? हो स्वीट हो, अभी तक नहीं समझे? समझाती हूँ। एम फॉर मैरिज, ए फॉर अनुराधा, मतलब साफ है मैरिज टू अनुराधा। सच अनु? ओ यू आर माय डार्लिंग अनु। मैं छोड़ो ना, वो देखेगा तो क्या कहेगा? नारियल पानी के साथ शर्म भी पी गए हो क्या? जरा मेरा पर्स दे दो। ये लो। ये तोहफा पिताजी ने भेजा है, पहना दो। मैं क्यों पहनूं? तुम पहन लो प्लीज। लो। थैंक यू। जानती हो तुमने ये क्या किया? मैं ये सब क्या जानू, तुम तो हमेशा मुझे बुद्धू कहा करते हो। मैं बुद्धू हूँ, बिल्कुल बुद्धू हूँ, तुम्हारी बुद्धू हूँ।
छुप के आया है तू, दिल चुरा कर मेरा मुस्कुराया है तू। जज्बात को मैं ठुकराऊंगा, दिल के जज्बात को मैं ठुकराऊंगा, बल्कि तस्वीर जज्बात बन जाऊंगा। अपनी मोहब्बत का मोहब्बत का होता है कैसे अदा, वक्त आया तो मैं ये भी दिखलाऊंगा, वक्त आया तो मैं ये भी दिखलाऊंगा। प्यार के देवता के कदम चूम कर जिंदगी नजर कर दूंगी सौगात में। अब ना घबराओ मंजिल की दूरी से तू, अकेले नहीं मैं भी हूँ साथ में। हाथ आया है जब से तेरा हाथ में, आ गया है नया रंग जज्बात में। मैं कहाँ हूँ मुझे ये खबर ही नहीं, तेरे कदमों से ही गिरना जानते ही। हाथ आया है रामू, हे रामू। जी सरकार। ये मेरे जूते तो ले आ। सरकार, 10 बज गए सरकार, मैं तो शाम के अभी 9:30 भी नहीं बजे। जिंदगी भर घड़ी देखना मत सीखना, वरना वक्त पर काम करना पड़ जाएगा। कहाँ चला गया सरकार? अर्दली ये सिक्की दे गया। सरकारी सिक्की दिखती है सरकार? हाँ हाँ, सरकारी चिट्ठी है। जूते पहना। जी सरकार। हाँ यार, चश्मा तो बांधने दीजिए। अरे चश्मा नहीं, बिस्तर मान, बंबई बदली हो गई है। सच्ची? छोटे बाबू के पास सरकार? हाँ हाँ, छोटे बाबू के पास, छोटे बाबू के पास, राजेश के पास। राजेश, आखिर किस्मत को मुझ पर रहम आ ही गया, अब इन आंखों को औलाद देखने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अनुराधा ने एंगेजमेंट रिंग भी दे दी थी ना आपको? अनु मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है समझ में नहीं आता। संपत लड़की का दूसरा नाम है अकल की कड़की, और ये फार्मूला कोई दूसरा आपको बताएगा भी नहीं। तुझे तो हमेशा मजाक सोचता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई है। तो फिर मिस्टर गैम्बलर, तुम अपना रास्ता भी बदल डालो। अगर अनुराधा को मालूम पड़ गया कि तुम रात भर जुआ खेलते हो, तो क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? तू ठीक कहता है संपत, यू आर राइट, मैं जुआ खेलना छोड़ दूंगा। बिल्कुल छोड़ दो, और फौरन छोड़ दो। लेकिन सिर्फ आज की रात खेलूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अनु को इसके बदले मैं इससे अच्छा तोहफा देना चाहता हूं। टू एसेस, यू विन। Good on you, Buster. Sure.
noodles. One puppy gambler, please. All right, gambler. Please, deal. बॉस छोटे बॉस बाजी में बाजी हार रहे हैं और नजर के लिए इशारा कर रहे हैं। उसे इशारा कर दो कि मदद आ रही है। और हाँ, बाकी सबको बुलाओ, हमें फौरन बाहर जाना है। ओके बॉस। माय नेम इज किशोरी एंड यूएस। I'm a good girl. अब वो मुझे पकड़ने के लिए सारे शहर में ढूंढ रहे होंगे।
तुम क्या बोल रहे हो? बताते क्यों नहीं क्या हुआ है? इस पर ये खून कहां से आया? मैंने किसी का खून कर दिया है अनु, मैंने किसी का खून कर दिया है। तुमने किसी का खून कर दिया है? मैं उसका खून नहीं करना चाहता था अनु, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। अगर वो छुराना निकालता तो आज ये नौबत नहीं आती और मेरे हाथ से उसका खून नहीं होता। अब क्या होगा? सच कहता हूँ अनु, मैं उसका खून नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हारी बात पे किसी ने भी एतबार ना किया तो मौत की सजा। नहीं, मैं हरगिज़ उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम उन्हें नहीं रोक सकती अनु, कानून खून के बदले खून मांगता है। अगर कानून की प्यास खून से बुझती है तो उसकी प्यास मैं अपने खून से बुझाऊंगी। जब मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा जीना चाहा, उसी वक्त मौत का साया मेरे पीछे लग गया। अब मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं आना हथकड़ी होगी। मैं किसी को तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाने दूंगी। पापा तुम्हें बचाएंगे, मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी पुलिस के आदमी है, मुझे नहीं पकड़ लेंगे। शायद उन्हें मालूम हो गया होगा, मुझे भागना चाहिए। कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? जरूर मिलूंगा। अपने को संभाल लो, तुम पर कोई आंच आए तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी। अनु बेटी, अनु बेटी गजब हो गया। जुए के अड्डे पर राजेश ने किसी को खून कर दिया। राजेश जिंदगी में ऐसा करेगा, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता हूं तुम ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती हो। बेटी अब तुम्हारा क्या होगा? मेरा? ये सोचिए अब उस बेचारे का क्या होगा? उसकी किस्मत का फैसला अब कानून के हाथ में है। कानून? कानून तो खून के प्यासे भेड़िए की तरह उसका खून मांगेगा, सिर्फ खून मांगेगा। कानून को गलत मत समझो बेटी, कानून इंसान की भलाई के लिए बना है। अगर यहां गुनाह की सजा मिलनी बंद हो जाए तो दुनिया में वहशत के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। मोहब्बत भी नहीं। लेकिन पापा, अगर इंसान से मजबूर होकर सिर्फ एक बार खून हो जाए तो क्या उसकी सजा सिर्फ मौत होती है और कोई सजा नहीं मिल सकती उसे? ये फैसला करने का हक अदालत को है। तो क्या आप भी राजेश को नहीं बचा सकते? मेरे लिए भी नहीं, अपने बेटे के लिए भी नहीं। पुलिस गुनाह की नहीं, कानून की हिफाजत करती है। बेटी अगर उसने खून किया है तो मैं भी नहीं बचा सकता। किशोरी तुम? हाँ, जल्दी करो, बॉस के लोग किधर ही आ रहे हैं। बॉस के लोग? हाँ। लेकिन मैं तो तुम्हें दुश्मन समझता था। दुश्मन नहीं, मैं मजबूर थी राजेश, जल्दी करो वरना वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ। किशोरी को पता चला? नहीं बॉस, लेकिन मेरा ख्याल है वो राजेश के साथ लापता है। राजेश के साथ? जैसे भी हो उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ, मैं उसे धोखा देने का सबक सिखाना चाहता हूं। रामो! जी सरकार, आ सरकार। जी सरकार, तूने चिट्ठी पोस्ट में डाली थी? डाली थी सरकार, जरूर तू भूल गया होगा। नहीं सरकार, मैंने अपने इस हाथ से डाली थी। तो फिर राजेश क्यों नहीं आया? शायद उसे कोई काम पड़ गया होगा। अच्छा तो सामान निकाल, मैं भी थोड़ा इंतजार करता हूं। अच्छी सरकार। यहाँ क्या कर रही हो? मैं
मैं राजेश का इंतजार कर रही हूँ। राजेश आने वाला है? नहीं मालूम। तुम राजेश को जानती हो? हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। कितना जानती हो? जी राजेश को तुम कितना जानती हो? जी हमारी सगाई भी हो चुकी है। सगाई? राजेश से तुम्हारी सगाई हो चुकी? लेकिन अब तुम राजेश का इंतजार क्यों कर रही हो? ये जानते हुए कि वो पुलिस से फरार है, कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है मेरे पिताजी उसे जरूर बचा लेंगे। बचा लेंगे? कैसे? कौन है तुम्हारे पिताजी? डीपी वर्मा। पुलिस कमिश्नर? तुम दोनों की बात तुम्हारे पिताजी को मालूम है? तो फिर राजेश को दुनिया में क्या चाहिए था? बाप का प्यार और तुम जैसी लड़की के मिल जाने के बावजूद उस जिंदगी में उसे किस चीज की ख्वाहिश रह गई थी जो अब फांसी के तख्ते पर चढ़कर पूरी हो जाती? भगवान के लिए खामोश हो जाइए, अब बड़े संगदिल लगते हैं। संगदिल? संगदिल मैं ही हूं तुम्हारा राजेश, जिसने सिर्फ एक इंसान का ही खून नहीं किया बल्कि साथ साथ अपने बाप के सपनों का भी खून कर दिया। ये झूठ है, आप माने या ना माने, दुनिया माने या ना माने, मैं जानती हूँ कि राजेश बेगुनाह है। उसने ये खून अपनी जान बचाने के लिए किया है, अपनी जान बचाने के लिए किया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बेटी कोई भी सबूत बता दो, मैं अपने बेटे की जान बचा लूं। बेटा? हाँ, मैं ही उसका पिता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कोई भी सबूत हो तो बता दो मुझे, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगा। मैं तो आपको वही बता सकती हूँ जो राजेश ने मुझे बताया है। हाँ, लेकिन उसने तुम्हें क्या कहा था, क्या बताया था? यही कि वो बेकसूर है। बस? लेकिन मुझे विश्वास है जो भी उसने कहा है सच कहा है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मेरी आशा का दीप हमेशा जलता रहे। चुप रहो बेटी, भगवान करे तुम्हारे प्रेम और विश्वास की जीत हो। कहीं मिल जाए तो उससे कहना तुम्हारा बाप अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। इससे पहले उसके कदम किसी और गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाएं, उसे वापस लाना ही होगा। सर, ये यंग नाइट क्लब के मर्डर की रिपोर्ट है। पता नहीं ये इत्तेफाक की बात है या इसमें भी कोई राज है, क्योंकि किशोरी भी एग्जैक्टली उसी दिन से गायब है जिस दिन से राजेश फरार है। किशोरी कौन है? जी, जिस क्लब में खून हुआ है लड़की उसी क्लब में डांसर थी। और सर के मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन में इससे फायदा हो सकता है अगर ये पता चले कि लड़की कहाँ से आई है, पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी। बिल्कुल ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है सर। तो सारा पुराना रिकॉर्ड कलेक्ट करो। और है सर, अंधेरे में क्यों बैठे हैं? दिल बड़ा उदास है बेटी। जानती हूँ, राजेश नहीं मिला होगा।
राजेश तो मिला था। मिला था? कहाँ? कब? जुए के अड्डे पर। फिर क्या? बेटे ने बाप को पहचान लिया मगर। मगर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसे आवाज भी दी मगर मगर शायद इस वर्दी की दहशत में बेटा बाप को भूल गया, भाग गया भागा। अरे लक्ष्मी, तू यहाँ कहाँ थे इतने साल? मुद्दत हो गया तुमसे मिले। आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। ये कौन है तुम्हारे साथ? रत्ना कहती है कि उसे कोई इतराज नहीं, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। अगर तुम इनमें से किसी एक का भेस बदल लो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। तुम उसे दोषी ठहराओ या ना ठहराओ, कानून की निगाह में गुनहगार है। उसके नसीब में फांसी के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन बेटी, तुम जानबूझ कर अनजान क्यों बन रही हो? जिंदगी और मौत का कोई साथ नहीं, तुम उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। मुमकिन नहीं, उसे बार बार क्यों कहते हो पापा? तो इसका मतलब ये है कि राजेश के सामने तुम्हें अपने बाप की भी परवाह नहीं? मुकाबला मत करो पापा, मैं आप दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। एक मेरा खून है तो दूसरा मेरे दिल है। जो बात कभी भी पूरी नहीं हो सकती उसकी ख्वाहिश करना एक बेवकूफी है, बड़ा बेवकूफी है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देवता के चरणों में चढ़ने वाले फूल की कोई अभिलाषा नहीं होती पापा। उसका मकसद सिर्फ पूजा से। मैं भी पूजा का एक फूल हूं जो मेरे दिल ने किसी के चरणों में चढ़ा दिया है। देवता सोने का हो या पत्थर का, उसे पुजारी का क्या मतलब? अब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। हेलो, हाँ बोलो शिरके। पता चला? नहीं, तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं, तुम मुझे पता बता दो।
बता दो बता दो, बता दो यहाँ कोई दुश्मन नहीं, मिटा जिस पे दिल तुम वही तो नहीं। बड़े खूबसूरत बड़े ही हसीन, मिटा जिस पे दिल तुम वही तो नहीं। सुभान अल्लाह, वाह तबला वाह, क्या तबला बजाते हैं आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन नवाज़िश है आपकी हुजूर, जो गुलाम पे खुश हो गए। खुशी तो होनी थी हुजूर, दिल की मुराद जो पूरी हो गई, इस भटकते हुए दिल को बस यूं समझिए आप ही की तलाश थी मेरी। अजी क्यों बना रहे हैं आप मुझे, कोठे पे भला हसीनों के बजाय कमीनों का तलबगार कौन होता है हुजूर? ये तो अपना अपना मक्का है हुजूर, किसी का पास किसी का दूर। हम तो तबले के तालिब इल्म हैं, रियाज से जब मंजिल नहीं मिली न्याज हासिल करने चले आए। हम तो आपको अपना उस्ताद बनाना चाहते हैं, हमारा दौलत खाना आपकी कदम बोसी करना चाहता है। अजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे, आप अपना पता दे जाइए, गुलाम किसी दिन खुद ही हाजिर हो जाएगा। माफ कीजिए हुजूर, इतने करीब आकर हम फिर से करीब नहीं होना चाहते, ऐसे अनमोल रतन को तो हम अपनी आंखों में बिठा कर ले जाना चाहते हैं। क्या बात है अब्दुल मियां, नवाज साहब तो हमको छोड़ तुमसे बगड़बेर हो गए। बात यह है भाई, अल्लाह कसम हम तो रेस्ट से मर जाएंगे। हाँ भाई जी, आपके ये रईस मुझे घर ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो हो आओ ना, घबराते क्यों हो, बाकी की शाम रसूल मियां बजा लेंगे। अच्छा भाई जी, जब आप सब कुछ संभाल रही हैं तो मैं इनके साथ हो ही आता हूँ। उस्ताद जी जरा ठहरिए, नवाज साहब आप पर कुर्बान हो जा रहे हैं और आप अपनी मेहरबान की खातिर तवाजु किए बगैर ही मेरे गरीब खाने से ले जा रहे हैं। इसकी कोई नवाज साहब, आपको मेरे हाथ से पान खाने में कोई इतराज तो नहीं? इतराज क्यों होगा भाई जी, बल्कि नाज होगा, लेकिन जरा जल्दी कीजिए। अच्छी बात है, हमें जरा पान। अरे अम्मी पान खत्म हो गए थे तो क्या मंगवाए नहीं जा सकते थे? उस्ताद जी जरा जाते जाते आप ही ले आओ। जी भाई जी ले जाओ, जरा जल्दी। अच्छा हाँ, रसूल को अंदर से भेज दीजिएगा। अरे अम्मी तू भी बड़ी निकम्मी है, लाओ हम खिलाएंगे। शुक्रिया। अरे वापस कहाँ जा रहे हैं उस्ताद जी? चलिए चलिए। कहाँ चलिए, घर और कहाँ? घर किसके घर? कमाल है क़िबला, अभी तब रजामंद हो गए थे फिर आने लगे। लाहौल भी रकूबत, मेरी तो आपसे पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, और बंदे को तो रसूल मियां कहते हैं। रसूल आधा वर्ष देख, अब मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, न पहले जैसे बेवकूफी करने दूंगा। अरे मैं तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूँ तुझे बचाने के लिए, मैं तेरा दुश्मन नहीं, बाप हूँ। बाप? बाप किसका बाप, मेरे बाप को तो मरे हुए 20 बरस हो गए हुजूर। देख बोगे देख, अच्छी तरह से देख, तेरे बाप जिंदा है या मरा हुआ, अब कह दे सबके सामने कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ। कमाल करते हैं हुजूर, नकली दाढ़ी लगाकर आप मेरे बाप बन रहे हैं। अरे अभी तो मुझे बिल्कुल बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी मालिक ये असली है, नकली नहीं, छोड़ भी दीजिए वरना दाढ़ी के साथ साथ बल्ले की खाल भी उतर जाएगी। भागे क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहा है? हुजूर पंछी तो उड़ गया, हुक्म हो तो खाली दुनिया पेश करो। चुप रहो, तुम उसकी आजादी पर नहीं बर्बादी पर खुश हो रही हो। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे इस करतूत से अब उसकी जिंदगी में सवार होने का कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा हुजूर? इसलिए कि तुम्हारे रसूख में आकर वो अपनों को बेगाना और बेगानों को अपना समझ रहा है, मौत को जिंदगी और जिंदगी को मौत समझ रहा है। पुलिस वालों को अपनी नाकामयाबी पर झल्लाते हुए जरूर देखा है, लेकिन इस कदर जज्बाती होते हुए कभी नहीं देखा। हुजूर अपने तसल्ली के लिए आप मुझे हथकड़ी क्यों नहीं पहना देते? अरे पगली, मैं भी उसके हाथों में हथकड़ियां कहां पहनाने वाला था, मैं तो उसके पांव में बेड़ियां डालना चाहता था ताकि ताकि यहां से भागकर वो उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां से मौत करीब
और जिंदगी हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपका मतलब है आप उसे बचाने का गरजमंद है, मगर कैसे? क्या पुलिस के आदमी नहीं है? क्या पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता? वर्दी पहनने से पुलिस वाले इंसान नहीं रहते? क्या बाप बाप नहीं रहता? क्या आप राजेश के पिता है? हाँ, मैं राजेश का पिता हूँ। ये मुझसे क्या हो गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें कैसे बताता जब अपनी औलाद को बताने से डर रहा था? काश किसी तरह पहले मालूम हो जाता तो आज ये अनर्थ ना होता। बेटी, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, तुम चाहो तो राजेश को नई जिंदगी दे सकती हो। कैसे? उसे तुम मेरे हाथों में लौटा दो, इसमें उसी की भलाई है। देखिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं। तुम मुझ पर भरोसा रखो। अच्छी बात है, कल फिर एक बार यहाँ आइए। अगर भगवान ने चाहा तो आपका बेटा आपकी आंखों के सामने होगा। अनुराधा, राजेश को कुछ पता चला? नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो कातिल नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुसीबत तो ये है वो खुद ही डर के हमारे कानून से भागा हुआ है। कहीं एक बार मिल जाए तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं सोचता हूँ उस क्लब में जाकर पता लगाऊं जहाँ वो हमेशा जाया करता है। तुम ठीक कहते हो संपत, मेरा भी यही ख्याल है। अगर राजेश के बारे में कुछ पता चल सकता है तो वहीं से। मुझे भी साथ ले चलो। ओ नो, वो जगह तुम्हारे जाने के लायक नहीं है। संपत, तुम राजेश के दोस्त हो और मैं, वो अब मेरे लिए सब कुछ है। मैं जरूर साथ चलूंगी। तुमने मेरे बारे में उसे कुछ कहा तो नहीं? तुम्हें यकीन है वो जरूर आएगा? आना तो चाहिए था, वक्त तो हो गया है। Keep your finger crossed. आपका बेटा आ गया है। पता नहीं दिल को यकीन तो नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा मुझसे मिल जाएगा। अब ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ 2 मिनट इंतजार कर लीजिए। बात क्या इतनी देर क्यों हो रही है? अब तक तो सा जाना चाहिए था। अब नहीं ठहरी, मैं देख कर आती जानते हो तुम्हें क्यों लाया गया है? जानता हूं, बदला लेना चाहते हैं। गलत, बदला बेवकूफ लेते हैं। तुम्हारी मौत से मुझे क्या फायदा? इट्स अ डेड लॉस। तो फिर क्या चाहते हैं आप? बिजनेस। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। मेरे भाई के मरने से जो मुझे नुकसान हुआ है उसे तुम्हें पूरा करना होगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं अपने भाई की कीमत कम से कम 50,000 समझता हूं, क्योंकि उसका खून तुम्हारे हाथों से हुआ है, इसलिए हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने आपके भाई को जानबूझकर नहीं मारा था। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि राज सिर्फ मैं और मेरे आदमी जानते हैं, पुलिस नहीं। तुमने पुलिस से भागकर खुद इस जुर्म को कबूल किया है, अपने आप को कसूरवार माना है। वैसे भी बात पूरी नहीं बिगड़ी। कानून की गिरफ्त से तुम अब भी बच सकते हो। बच सकता हूं? कैसे? मेरे आदमी कल एक बैंक पर डाका डाल रहे हैं, अगर तुम इनके साथ सरदार बनकर जाओ मेरे दाम वसूल हो जाएंगे। आपका मतलब मुझे डाका डालना पड़ेगा? डाका तुम्हें नहीं, मेरे आदमी डालेंगे। तो फिर आप मुझे क्यों इनके साथ भेज रहे हैं? इनकी हिम्मत अफजाई के लिए, और रुपया यकीनन 50,000 ज्यादा मिलेगा। एंड वी शुड बी क्विट। वादा करते हैं के बाद आप मेरे हक में गवाही देंगे? ऑफ कोर्स वादा करता हूं। फिर मुझे मंजूर है। तो ठीक है, तुम रात को यहीं रहो, इन्हें गेस्ट रूम दिखाओ।
अगर राजेश कल किसी तरह मेरे आदमी को साथ में बैंक में चला जाए तो जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम हो जाए। तुम याद करके गोम से कह देना अपना कैमरा लेकर बैंक पहुंच जाए और जिस वक्त गोली चले राजेश की फोटो खींचे। ओके बॉस। तुम राजेश के पीछे से गोली ऐसे चलाना जैसे मालूम हो गोली राजेश चलाई, समझे? यस बॉस। और पुलिस इस केस में तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जब मैं कहता हूं कि मैंने ये खून नहीं किया। इसलिए नहीं करेगी कि तुम पहले ही एक और खून से फरार हो। लेकिन ये खून किसी और ने किया है। इसका फैसला कानून करेगा। पुलिस को बुलाओ। इस चाकू पर ऊंट के निशान होंगे। कातिल वही है। छोड़ दो मुझे। तुम लोगों की चाल है मुझे बताने के लिए। मैं अपनी उंगलियों के निशान नहीं जाना। मैं निशान मिला करूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अरे जाओ। आप हैं मिस्टर सिंह? जी हाँ। आपको मालूम है खून कैसे हुआ? हम लोगों ने एक चीख सुनी, आगे देखा कि किशोरी खून में पड़ी है और पास राजेश खड़ा है। राजेश? जी हाँ, और हम लोगों को देख के डर गया और चाकू फेंके भाग गया। तो ये खून राजेश ने किया? फिंगरप्रिंट से मालूम हो जाएगा। मुझे कहते हैं बहुत अफसोस है, आपको सदमा होगा और कुदरती है कि कातिल आपका बेटा है। आपको कैसे मालूम है राजेश मेरा बेटा है? उसने मुझे खुद बताया था। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं? ऑफ कोर्स, मेरे क्लब में अक्सर आता जाता है। हाँ, तब तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे। अगर अपने भाई के कातिल को कौन जल्दी भुला सकता है? कुदरती बात है। यू राइट इंस्पेक्टर। यस सर। चाकू फिंगरप्रिंट एक्सप्रेस वाले पहुंचा दो और यह लाश पुलिस वन हॉस्पिटल ले जाओ। yes.
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने मुझे याद किया? हाँ, पुलिस तुम्हारे बेटे की करतूतों से बेहद परेशान हो उठी है। कितने ही बेगुनाहों के खून से उसने अब तक अपने हाथ रंगे हैं। इसका अंत क्या होगा, कहाँ होगा, मैं खुद नहीं जानता। मैं खुद शर्मिंदा हूं वर्मा साहब। बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलने से रोक नहीं सका। वक्त का मजाक भी खूब रहा, जिसे समझी के रूप में बुलाकर गले में हार पहनाने को सोचा था। आज इसी के हाथ में हथकड़ी देकर उसकी औलाद को गिरफ्तार करने के लिए कहना पड़ रहा है। जिस बेटे पर इतना नाज था, जब वही बदल गया तो फिर किस्मत के बदल जाने पर क्या शिकायत होगी। मैं जानता हूं जो जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं बहुत मुश्किल है। हो सकता तुम्हारा दिल उसके खिलाफ बगावत कर उठे। अगर तुम चाहो तो। नहीं वर्मा साहब, आप इत्मीनान रखिए, कल कोई पुलिस पर उंगली नहीं उठा पाएगा कि बाप ने जज्बात के अख्तियार में फर्ज को भुला दिया। अब जो भी हुक्म करें मैं वफादारी से पूरा करूंगा, चाहे मुझे अपने खून के घूंट भी पीना पड़े। टावर में छुपा है और उसके हाथ में स्टंगन भी। उसने वार्निंग दी है कि अगर कोई दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे शूट कर देगा।
शुक्र है भगवान का, ये सिर्फ सपना था। लेकिन मैं तुझसे मिलने आया था और मैं किन हालात में तुझसे मिल रहा हूं राजेश। मैं बहुत शर्मिंदा हूं पिताजी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जिंदगी में गुनाह करने का कभी सोचा भी नहीं था, फिर भी न जाने इन हाथों से एक के बाद एक गुनाह कैसे होता गया। अरे अभागे, तुझे बचाने के लिए मैंने कौन सी कोशिश नहीं की, कहां कहां तेरे पीछे लिए भटका, लेकिन तूने गुनाहों से आसरा और बाप से रिहाई मांगी। जिंदगी में मैंने तुझे कह नहीं दिया, तूने मेरे से ऐसा सलूक क्यों किया? जो तकदीर में लिखा था मैं उसे मिटा ना सका। चुप रह, तकदीर को दोष दे रहा है, भूल गया कि तेरा बाप एक पुलिस का अफसर है, जानता नहीं था कि मुझे अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा चाहे कातिल मेरा अपना बेटा क्यों ना हो। जानता था पिताजी, जानता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि जिसने तुझे गोद में खिलाया है जो वही इन हाथों में हथकड़ियां पहनाएगा तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर, कलेजा फटने जाएगा उसका। जितने दिन जिंदा रहूंगा आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा पिताजी, जिंदगी में मैंने जो कुछ मांगा आपने मुझे हमेशा वही दिया। और तूने बदले में क्या दिया, अपने हर हिमायती का सब कुछ छीन लिया तूने। एहसान फरामोश, किशोरी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, उसकी जान लेने की तुझे क्या जरूरत थी? मैंने किशोरी का खून नहीं किया पिताजी। तो फिर किसने किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है इस कत्ल में सिंह का हाथ जरूर है। लेकिन सिंह ने जब तुझे किशोरी के पास खड़ा देखा तेरे हाथ खाली थे, तेरे हाथ में वही चाकू था जिससे किशोरी का खून हुआ। यही तो मेरी बदकिस्मती और बेवकूफी थी पिताजी, किशोरी की जान बचाने के लिए मैंने उसकी फिर से चाकू निकाल लिया था और जब बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी, भागने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पहले केस में तो तू सेल्फ डिफेंस के बिना पर रिहा हो सकता था, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी नहीं रही। पहले मैं रिहा हो सकता हूं फिर मुझे इस झूठे इल्जाम से बचा लीजिए पिताजी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने किशोरी का खून नहीं किया। क्या क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? कांग्रेचुलेशंस कमिश्नर साहब, इस बार तो आपने राजेश को इतनी जल्दी पकड़ लिया कि पब्लिक आपकी तारीफ की वजह नहीं रहेगी। थैंक यू। अच्छा है कि सत्ती जी राजेश ने अपने पकड़े जाने में कोनो रकम का विरोध नहीं किया। बिल्कुल सच है, सिर्फ यही नहीं बल्कि ताज्जुब की बात तो यह है कि उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आपका अपना क्या ख्याल है राजेश को क्या सजा मिलेगी? पुलिस का काम है मुजरिम को कानून के हवाले कर देना, गुनाह की सजा क्यों कितनी मिलनी चाहिए इसका फैसला करना अदालत का काम है, पुलिस करेगी। एक्सक्यूज इंटरप्शन सर, सॉरी जेंटलमैन, किशोरी मर्डर से ताल्लुक रखने वाली बहुत ही जरूरी खबर अभी मेरे पास आई है। वो क्या? अस्पताल से खबर आई है कि किशोरी मरीनी जिंदा है। यस सर, इट इज अनबिलीवेबल बट ट्रू। चीफ सर्जन तो ये भी कहता है कि कल शाम तक किशोर स्टेटमेंट देने का काबिल हो जाएगी। इम्पॉसिबल। हाँ, और पुलिस को उम्मीद है शायद आज शाम तक उसका बयान मिल जाए। अब क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। तुम मर जाओगे तो क्या मैं बच जाऊंगा? ये आपकी बड़ी भारी गलती थी बॉस, मेरी समझ में नहीं आता इतनी जल्दी पुलिस को बढ़ाने की क्या जरूरत थी, कम देखते लिया होता है लड़की जिंदा है या मर गई। तुम अच्छी तरह जानते हो जिसे मैंने चक्कू मारा आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन बॉस ये तो बच गई, इसकी एक ही स्टेटमेंट से हम दुनिया में नहीं रहेंगे। बॉस वो जो लड़की तय खाने बंद कर रखी है ना पुलिस कमिश्नर की लड़की। क्या अभी भी पता चला? गुड, वेरी गुड, पन्ना साहब मकान चले जाओ, उसे ही रहने दो। पुलिस कमिश्नर की बेटी को भूल जाओ बॉस, उसके बाप को याद करो जो किशोरी का स्टेटमेंट लेती हथकड़ियां लेकर यहाँ आ जाएगा।
किशोरी स्टेटमेंट देगी तब आएगा ना। शेरिफ, क्या है? बॉस ने कहा इस लड़की को परना गांव वाले मकान में पहुंचा दो और सर इसे यहीं रहने दो। ठीक। कौन बताएगा तुम्हारा कातिल राजेश नहीं मैं हूं। आपने खुद ही बता दिया। जिस किशोरी का आप मुंह बंद करने आए वो किशोरी कल रात ही मर गई थी। कल रात ही मर चुकी थी। अगर आपको उसके होश में आने का डर ना दिखाया जाता तो आप हमेशा के लिए कानून से छुपे रहते और असली कातिल का कभी पता नहीं चलता। मिस्टर सिंह, किशोरी के खून के जुर्म में आपको गिरफ्तार करता हूं। अब आइए मेरे साथ। तुम मुझे ये फंसाने का पुलिस का जाल था। इंस्पेक्टर शिर्के, सारा पता नहीं गया हुआ मेरा ख्याल कमरे में गया। सारा पता नहीं चला किलो और सारा और भागने पाए। पन्ना गांव वाले मकान में कायदे उसे फौरन बचाना चाहिए वरना सिंह उसे मार डालेगा। मेरे पीछे पुलिस है, अपने आदमियों को बंदूक दे दो। बाय।
तुम ठीक हो ना अनु? ठीक हो ना? ओ अनु, अनु अब हमें कोई नहीं अलग करेगा, कोई नहीं अलग करेगा अनु। सिंह इन हाथों से बहुत से देख मां के जान ले चुके हो। अब कानून तुम्हारे इन हाथों को हमेशा के लिए काट देगा। अनु, चुप हो जा, चुप। अनु, अब ये तेरे पिता है, अपनी नई जिंदगी के लिए इनसे आशीर्वाद लो। चलो बेटी, राजेश और कोई काम है क्या? हो तुम्हें ये वर्दी पहन के कहाँ जा रहे? जी वो अपने विलन से टक्कर लेने जा रहा हूँ। वो कौन है? जी वो मेरी बुलबुल की माँ। ओह, गुड लक, गुड लक, गुड लक। थैंक यू सर, सीधा फंसा है ना। बदल झूम कर जिंदगी नजर पर दूंगी।